नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो आज एक बड़ा समझौता हुआ इसराइल और यूएई के बीच में, जिसमें इसराइल की तरफ से प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने और दूसरी तरफ यूएई की तरफ से क्राउन प्रिंस मोहम्मद शेख जायद अल नाहयान ने, इन दोनों के बीच में समझौता हुआ और इसके तहत अब एक शांति पहल हुई है। यूएई तीसरा अरब देश है जो इसराइल के साथ संबंध बहाल करने और शांति का समझौता करने में आगे बढ़ा है। इससे पहले मिस्र और जॉर्डन ने यह समझौता इसराइल के साथ किया था। मिस्र का समझौता काफ़ी पहले हुआ था और जॉर्डन ने यह 1994 में किया। ये जो समझौता हुआ है इसमें यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूमिका है और उन्होंने इसकी सूचना भी दी। उन्होंने कहा कि यूज हर ब्रेक थ्रू टूडे हिस्ट्रिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन आवर टू ग्रेट फ्रेंड्स इसराइल एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये कहते हुए उन्होंने इस बात का हवाला दिया जो दोनों देश के राष्ट्र प्रमुखों के बीच हुई, चाहे शेख मोहम्मद अल नाहयान हो या फिर इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। और इस समझौते का बड़ा असर ये है कि दोनों देशों के बीच में हालांकि थोड़ी बहुत दोस्ती पहले से चल रही थी, क्योंकि ईरान को लेकर जिस तरीके से यूएई का रुख रहा है उसके लिए यूएई मदद मांगता रहा था इसराइल से, और अब ये समझौता हो जाने के बाद में तमाम क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच में जो सहयोग है वो बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा और साथ ही साथ दोनों देशों के बीच में राजनयिक रिश्ते भी इससे शुरू होंगे। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई है और अरब देशों में जिस तरीके से ये चलन बढ़ा है उसके बाद ईरान ने इसको मुसलमानों की पीठ में छुरा भोंकने वाला कहा है, तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन ने इसको विश्वासघात करार दिया है। और ऐसा कहते हुए फिलिस्तीन ने अपने जो राजदूत है उसको वापस बुला लिया है यूएई से, और इसको लेकर जो तुर्की के राष्ट्रपति है अर्दोगन, उन्होंने भी इसी तरीके की एक प्रतिक्रिया दी है। और इसकी वजह यह है कि जिस तरीके से इसराइल और यूएई की दोस्ती अब आगे बढ़ी है उससे जो अरब देशों का एक फ्रंट बनाने की कोशिश हो रही थी बहुत सालों से, 72 सालों से लगभग ये फ्रंट चल रहा था और ये लड़ाई होती रही थी इसराइल के साथ में, लेकिन धीरे धीरे करके अरब देशों में जिस तरीके से अलगाव पैदा हुआ या फिर इसको लेकर एक अलग तरीके से सोचने की रणनीति बनी, उससे मिस्र पहले अलग हुआ, उसके बाद में जॉर्डन और अब यूएई जो कि बहुत बड़ा देश है अरब देशों में काफ़ी शक्तिशाली माना जाता है, और उसके अलग हो जाने के बाद में अब ऐसा लगता है कि मध्य एशिया में इसराइल की जो पहुंच है, इसराइल की जो स्वीकार्यता है वो काफ़ी ज़्यादा इससे बढ़ जाएगी। इसका जो असर है वो चीन और पाकिस्तान पर भी हुआ है। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि वो ईरान के साथ दोस्ती करके भारत को एक दबाव बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसराइल का यूएई के साथ समझौता होने से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान इसराइल को पसंद नहीं करता है और इसराइल भी पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करता है। और पहले जिस तरीके से सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को झटका दिया, अब इसराइल और यूएई की दोस्ती होने के बाद में पाकिस्तान को उम्मीद है कि अब उसके जो संबंध है यूएई से भी खराब हो जाएंगे और यूएई भी जो उसकी सहायता करता रहा था उससे हाथ पीछे खींच लेगा। खाड़ी देशों में यूएई का बड़ा दबदबाव है और उसी की वजह से यूएई की एक वहां पर पावर के तौर पर देखा जाता है। यूएई ईरान का दुश्मन रहा है, ईरान के साथ में यूएई के रिश्ते खटास भरे रहते हैं और इसी वजह से यूएई और अमेरिका की दोस्ती बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ थी, और इसका नतीजा आज जिस तरीके से इसराइल के और यूएई के दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें देखने को मिल रहा है। और इस समझौते को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं गुतारेस, उन्होंने भी इसको एक मध्य एशिया में शांति स्थापित करने वाली पहल बताया है, इसका स्वागत किया है। भारत की तरफ से भी इसका स्वागत किया गया है, क्योंकि भारत के लिए यूएई और इसराइल दोनों ही अच्छे दोस्त हैं और भारत का सहयोग करते रहते हैं, और इसकी वजह से अब जो नए समीकरण पैदा होंगे उससे चीन में भी खलबली है। चीन ये चाहता था कि खाड़ी देशों में वो अपनी पैठ बनाए और खाड़ी देशों के अंदर अपने आप को मजबूत करे, क्योंकि खाड़ी देशों के साथ में भारत के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है।
और चूंकि चीन इस समय पूरी दुनिया में अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अलग थलग पड़ गया है, और उसको उम्मीद थी कि वो खाड़ी देशों के माध्यम से उस कमी को पूरा कर पाएगा जो कि उसके जो विदेशी और राजनयिक संबंधों में आई है अमेरिका से दुश्मनी के बाद और भारत के साथ में तनाव के बाद में। लेकिन चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके वाली खबर ये है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों देशों के बीच समझौता हुआ है और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कहा कि वो वेस्ट बैंक को लेकर, यानी कि जो पश्चिमी तट को लेकर जो बस्तियां बसाने की बात थी उसको फिलहाल आगे नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो मुद्दा उनकी टेबल पर हमेशा रहेगा और वो अपना जो अधिकार है वेस्ट बैंक पर उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। और पश्चिमी इलाकों को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें हो रही थी और फिलिस्तीन ये चाहता था कि वहाँ पर एक अलग देश बसा दिया जाए, जबकि इसराइल हमेशा से उसको अपनी भूमि बताता रहा है और उसके लिए लड़ाई लड़ता रहा है, तो इसराइल ने शांति के लिए इसको थोड़ी देर के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया है। और इसको लेकर इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने क्लियर भी किया है कि वो इस इलाके पर अपना दावा नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि शांति के लिए इन इलाकों को कुछ समय के लिए अपने साथ मिलाने पर न मिलाने पर सहमत हो गए। वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेकर ही कि भारत के पक्ष में जिस तरीके से अमेरिका पहले से खड़ा रहता है, और आज फिर से एक और बड़ी खबर आई कि कल यानी गुरुवार को अमेरिकी सीनेट में एक प्रस्ताव पास किया गया और ये प्रस्ताव था चीन द्वारा भारत की सीमाओं के ऊपर LAC के ऊपर जो आक्रामकता दिखाई गई है उसके विरोध में ये प्रस्ताव पारित हुआ है और भारत का समर्थन करते हुए ये प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है उसके जो व्हिप हैं जॉन कॉर्नर, सीनेटर जॉन कॉर्नर, और उनके अलावा इसमें दूसरे सीनेटर थे मार्क वार्नर जो कि सीनेट इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष हैं, और इन दोनों ने मिलकर इस प्रस्ताव को सीनेट के अंदर रखा और ये जो प्रस्ताव है अमेरिकी सीनेट में पास हो गया। इस प्रस्ताव के तहत भारत द्वारा चीन के जो अतिक्रमण का प्रयास था या चीन की जो आक्रामकता है उसके खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई है उसका जो विरोध किया गया है उसकी जो सकारात्मक तौर पर उसको जवाब दिया गया है उसका समर्थन किया गया है। और इसमें यह भी कहा कि हमेशा के मुकाबले में यह ज़्यादा जरूरी है कि हम अपने साझीदार भारत का साथ दें, क्योंकि वो चीन की आक्रामकता के खिलाफ बचाव कर रहे हैं। चीनी ऐप्स पर भारतीय प्रतिबंध का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत को चीनी सुरक्षा खतरों से अपने दूरसंचार बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है और हम उनके इस कदम की सराहना करते हैं। दरअसल भारत ने जिस तरीके से 59 चीनी ऐप जो थे, एप्लीकेशन जो थे, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया था और उसके बाद इसको लेकर चीन तिलमिला गया था, चीन को भारी झटका लगा था, आर्थिक तौर पर चीन को काफ़ी नुकसान हुआ था इससे, और बाद में अमेरिका ने इसकी सराहना की थी और अमेरिका ने भी अपने यहाँ पर टिकटॉक जैसे तमाम ऐप्स के ऊपर में प्रतिबंध लगाने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी थी। तो अमेरिका बार बार भारत का साथ दे रहा है और ये चीन को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चीन अगर कोई भी गुस्तागी करता है तो अमेरिका हर हालत में भारत के साथ खड़ा होगा, और ये एक राजनीतिक दबाव भी है, एक सामरिक दबाव भी है जिसकी वजह से चीन भी डरा हुआ है। और यही वजह है कि जब दक्षिण चीन सागर में अमेरिका अपनी फौजें भेजता है, अपनी नौसेना भेजता है, तो भारत भी उस मुकाबले के लिए अपना बयान देता है और भारत के भी नौसैनिक जो जहाज हैं उनके साथ में अमेरिकी नौसेना के जहाज भी अभ्यास करते हैं। तो ये पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता, बढ़ती हुई कूटनीतिक जो जीत है भारत की, उसको दर्शाता है कि भारत के विदेश मंत्रालय के साथ में इसराइल का विदेश मंत्रालय UAE के हुए समझौते को लेकर बात करता है, सूचित करता है, अमेरिकी सीनेट के अंदर भारत के पक्ष में प्रस्ताव पास किया जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो भारत के विपक्षी लोगों को अभी भी समझ में नहीं आती और उन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारतीय विदेश नीति में गिरावट आई है, जबकि हकीकत तो ये है कि भारतीय विदेश नीति का और भारतीय जो राजनय का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचा हुआ है। आज भारत एक महाशक्ति के तौर पर देखा जा रहा है, दुनिया में कुछ भी होता है तो भारत को उसकी सूचना मिलती है और भारत को उचित जगह देने के लिए आज अमेरिका और रूस जैसे बड़े बड़े देश तैयार हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे और जर्मनी और ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी आज भारत को उचित स्थान दे रहे हैं।
और जिस तरीके से हमने आपको बताया कि दोनों ही चीजें, चाहे इसराइल और यूए का समझौता हो या अमेरिकी सीनेट के अंदर पारित किया हुआ यह प्रस्ताव, ये दोनों ही भारत के लिए फायदेमंद है, भारत के लिए बैलेंस पैदा करने वाली चीजें हैं। क्योंकि जिस तरीके से यूएई और इसराइल का समझौता हुआ है उससे चीन और पाकिस्तान को काफी ज्यादा झटका लगा है, दूसरी तरफ सीनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है वो भी चीन के लिए नैतिक तौर पर एक बड़ी हार है। चीन को ये लगता था कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत नहीं हो पाए, चीन ये चाहता है कि भारत अमेरिका के साथ नजदीकियां न बढ़ाए, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान चीन को ही होना है। जय हिंद, जय भारत।